हाय फ्रेंड्स, मैं आर्किटेक्ट शारिक शेख और ये मेरे दोस्त है अमोल बरछा श्रीजाल जी डेयरी फार्म से, और ये मेरे दोस्त है रोहित गुप्ता डिजिटल मार्केटिंग। हम लोग यहाँ अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म पर आए हुए हैं और काफ़ी देर से 2-3 आवर से हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है ये स्प्रिंकल सिस्टम पूरा हमने खेत में देखा, और रोहित भाई आपने भी क्या देखा बताइए जी। यहाँ पे काउस के लिए जिस तरीके से इन्होंने सारा सेटअप किया है, काउस के लिए पूरा शेड बनाया है, जिनके काउस की हेल्थ के हिसाब से वहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल पंप्स लगाए हैं, डबल रूफिंग शीट लगाई है जिससे काउस कंफर्टेबल रहें, तो वो सारी सुविधाएं इन्होंने यहाँ क्रिएट की हैं। पूरा जो फार्म है वहाँ पे पूरा ड्रिप फार्मिंग और आपका जो खाद क्रिएशन है वो सब ऑटोमेटिक है। ये सभी जो यूज़ ले रहे हैं गोबर का यूरिन का, वो सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए किस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं बहुत इम्प्रेसिव है। यहाँ पे मैंने देखा कि 30-40 गिर गाय रखी हुई है, उससे जीवामृत बनता है। जीवामृत का भी काफ़ी अच्छा सर ने प्लांट यहाँ पे बनाया हुआ है और टेक्निकली फार्मिंग हो रही है। तो किसान को इकोनॉमिकल अगर जब मजबूत होना है तो उसने एक बार यहाँ पे आके किस तरह से फार्मिंग की जाती है टेक्निकली उसका ज्ञान लेना चाहिए। तो एक बार किसान यहाँ पे जरूर आए। थैंक यू वेरी मच।